आरोप को कौन हम इनकार कर रहे हैं? आरोप तुम बोले हम आपके ऊपर आरोप लगा दें कि आप गधा हैं, तो आप गधा थोड़ी हो जाइएगा। कि इन्होंने जो सवाल पूछा कि राइट है, राइट कैसे है, मुझे ये समझाइए कैसे आप कांग्रेस को राइट। विचारधारा की बात होती है, लोग कहते हैं कि जो लेफ्ट वाले लोग होते हैं उनकी अलग सोच हो जाती है, वो कहीं क्या सोच होती है भाई, मतलब कहते हैं कि वो लोग जो है कि नास्तिक सोच के रहते हैं, देश के प्रति सोच उनकी कम रहती है, या फिर वो लोग देश के प्रति उनकी सोच कम होती है जी। जैसे आपके ऊपर इल्जाम भी लगता है कि आपने जो है कि कई बार जो है कि ऐसे इल्जाम, तो मैं बोल दूं कि आप गधा हैं, तो आप गधा हैं क्या? मैं सब लोग बोलिए गधा हैं, ये गधा है, सब लोग बोलते हैं गधा है, तो आप गधा हो जाएंगे क्या? नहीं ना, कैसे आप ये बोले? नहीं मैं इनसे पहले मैं सवाल नहीं मुद्दे पे नहीं, पहले इनसे ऐसे कैसे बोले आप? राइट की बात आती है, नहीं तो आप कैसे बोले कि लेफ्ट जो है वो देश का नहीं है? भगत, मैंने देश की बात नहीं कहा। अच्छा ठीक है, भगत सिंह, भगत सिंह देश, इल्जाम भगत सिंह पे आप इल्जाम लगाए? भगत सिंह की बात नहीं कर, आपके ऊपर सवाल लगा। नहीं वही बोलिए, भगत सिंह कौन सा किताब लिखे हैं? भगत सिंह की किताब का क्या नाम है? सर मैं वो जो उस सवाल पे नहीं, मैं भगत सिंह के सवाल नहीं कर रहा, मैं आपके सवाल नहीं। अरे क्यों नहीं सवाल? जेएनयू के मामले में जब आपकी बात, अरे आप अभी तक जेएनयू में, जेएनयू 2018 में छोड़ लेके सर बता, नहीं आप मुझे ये पहले बताइए कि आपने कहा कि लेफ्ट के लोग नास्तिक होते हैं, तो भगत सिंह की किताब का क्या नाम? नहीं कहा सर। अच्छा, लोग सोचते हैं कहते हैं उनकी कौन लोग हैं, हमको देश के खिलाफ होती है, कौन है, कौन लोग ऐसे हैं? अब तो सर ये बताया जाता है, आप भाजपा का पैसा लेके आए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप भाजपा के एजेंट हैं क्या? तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं? एक बात आपको हम बता देते हैं, हम कुर्ता पैजामा पहन करके नेता नहीं हुए हैं, हम समाज के बहुत साधारण परिवार से साधारण इंसान हैं, और जो आपका जीवन है उसको हम जानते हैं, तो ऐसे ही हवा हवा में उड़ता सवाल मत पूछिए, सवाल पूछिए कौन लोग कहते हैं बताइए। बीजेपी, पहले इनके सवाल का जवाब देने दीजिए। लोग कहते हैं किसी कौन लोग विचारधारा की बात, कौन लोग कहते हैं? नहीं 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 नहीं, बर्बाद नहीं कर रहे हैं, देखिए ऐसे मत कीजिए, मैं आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ ना, मैं आपसे बात, नहीं नहीं सवाल को मैं वापस, आप माफी मांगिए, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं आपको माफी मांगना, नहीं आप गलत बात बोलेंगे तो माफी, मैं जब गलत बोलता हूँ मैं माफी मांगता हूँ, आप माफी मांग रहे हैं ना, सब लोग देख लीजिए। अब सवाल सर, 24 में लोकसभा का चुनाव, आप माफी मांग लिए हैं ना? उत्तर प्रदेश जिम्मेदार नागरिक बनिए, पत्रकार हैं आप तो आपकी भी जिम्मेवारी है, और मैं नागरिक हूँ तो मेरी भी जिम्मेवारी है, हम दोनों का देश है और अपने अपने पेशे से ईमानदारी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो जिम्मेदारी से आप सवाल पूछेंगे, मैं जिम्मेदारी से जवाब दूंगा, ठीक है? आरोप को कौन हम इनकार कर रहे हैं? आरोप तुम बोले हम आपके ऊपर आरोप लगा देंगे आप गधा हैं, तो आप गधा थोड़ी हो जाइएगा। कहाँ इधर उधर भटकते हैं टीआरपी के फेरा में? सर सर सही सवाल पूछिए, दूसरे को बात करने, आप दूसरे को सवाल, आपके सब सवाल का जवाब दूसरे कि लोकतंत्र तमाशा नहीं है न सिनेमा है, हम अपने शब्दावलियों को लेकर के थोड़े जो है संजीदा रहें, देश के लिए जैसे हर नागरिक इम्पोर्टेंट है उसी तरह से राज्य बड़ा हो या छोटा जमहूरियत के लिए वो सब इम्पोर्टेंट है। जमहूरियत और लोकतंत्र क्या कहता है? जमहूरियत और लोकतंत्र जो है जो सहमति और असहमति दोनों का सम्मान करता है, सिर्फ जो है वो संख्या बल नहीं है, जमहूरियत डेमोक्रेसी लोकतंत्र बहुसंख्यक बाद नहीं होता है, वैसा आवाज जो कम है जिसकी संख्या कम है उसकी भी सुनवाई हो, इसको लोकतंत्र कहते हैं। तो हम तमाशा सिनेमा टेलर ऐसे शब्दों से बचे, 5 राज्यों में चुनाव है, बीजेपी हमेशा से ये करती है, कोई नई बात नहीं है, बीजेपी हमेशा लोगों के जो रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी का सवाल है उसको किसी ऐसे इशू में उलझाती है जिससे समाज का ध्रुवीकरण हो और वोट का आधार जो है वो सरकार का काम न हो बल्कि लोगों की भावनाएं हो। लेकिन लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि उनका मुद्दा क्या है, क्या वो महंगाई से परेशान हो रहे हैं, 100 रुपये लीटर जो है पेट्रोल और डीजल खरीद करके वो परेशान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बेकारी से उनकी क्या हालत हो रही है, शिक्षण संस्था लगातार बंद पड़े हुए हैं, स्कूल बंद हैं लेकिन फीस वसूला जा रहा है, एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, ये जो सवाल हैं ये जो मुद्दे हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हम हमेशा चाहेंगे कि देश के अंदर जो राजनीतिक बहस हो, जो राजनीतिक गोलबंदी हो वो लोगों के मुद्दों पर हो, और बीजेपी ऐसा करती है, करती आई है, और इसका